यूनिवर्सिटी लाहौर में पीएचडी समेत नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। नए वाइस चांसलर की सदारत में एकेडमिक काउंसिल का इजलास हुआ। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट में नए प्रोग्राम समेत पीएचडी प्रोग्राम्स भी शुरू करवाए जाएंगे। फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में पीएचडी समेत नए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स मुतारिफ करवाए जाएंगे। फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की जेर सदारत एकेडमिक काउंसिल का इजलास हुआ। इजलास में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर शमसा हुमायूं, रजिस्ट्रार प्रोफेसर नदीम कसूरी, प्रोफेसर तस्नीम आमिर, प्रोफेसर आफताब चौधरी, डीन्स और फैकल्टी मेम्बरान ने शिरकत की। प्रो वाइस चांसलर ने प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल को वाइस चांसलर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी और खुशामदीद कहा। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि फातिमा जिना मेडिकल यूनिवर्सिटी को एकेडमिक, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और हर सतह पर पाकिस्तान की बेहतरीन यूनिवर्सिटी बनाएंगे। अंडर ग्रेजुएट के सिलेबस और मायार को बेहतर करेंगे। रिसर्चर कल्चर को मजीद वसत दी जाएगी। पोस्ट ग्रेजुएट के साथ अंडर ग्रेजुएट को रिसर्च में शामिल किया जाएगा। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने तजीन शुदा गर्ल्स कॉमन रूम का भी इफ्तिताह किया। सुलेमान चौधरी, 92 न्यूज़ लाहौर। जंगलात की गैर